ओ चाचा ओ ट्रैफिक चाचा फोन उतार दो चाचा सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो आपका भाई भी एकदम से मस्त है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। आज जा रहे हैं मैं और शहजाद, दोनों जा रहे हैं। साकिब भाई ने नई बाइक ली है, सो जा रहे हैं उनसे मिलने और उनसे ट्रीट लेने। तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पहुँच गया नीचे मार्केट में और चल बाबे साइड दे दे। मैंने सुबह आया था, सो सुबह यहाँ पे एटीएम स्वैप नहीं हुआ पेट्रोल पंप पे, तो मैंने पेट्रोल डलवा लिया था 200 का। तो वो पैसे मैंने अभी दिए नहीं थे, सो वो दे देता हूँ पहले सतेंद्रे को। हे गाइस क्या हाल है, बढ़िया है ना? पैसे चाहिए तो नहीं? ये ले, याद है ना, मत भूल जाए। चल ठीक है, मैं एटीएम से निकाल के सीधा घर चला गया था, पैसे देने याद नहीं रहे तब। सो अभी आ गया हूँ देने। ओ ट्रैफिक, ओ खतरनाक। ट्रक किस रास्ते से इसलिए आ रहे हैं था ना, जम्मू टू श्रीनगर वाला, वो इस टाइम ब्लॉक है और उधर ना लैंडस्लाइडिंग की वजह से पूरा रास्ता बंद है, गाड़ियाँ बंद है, रास्ता बंद है पूरा। सो ये गाड़ियाँ उसी वजह से इधर आ रही हैं, आगे ट्रैफिक लगा हुआ काफ़ी लंबा में भी। ओ तेरी इतना लंबा जाम, काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगा तो ये उसी की वजह से लगता है। सो वो रास्ता बंद है, बाया मुगर रोड से ये गाड़ियाँ आती हैं। चाचा फोन उतार दो, चाचा फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं और बाइक भी चला रहे हैं और आगे पुलिस वाले भी हैं, होप सो कोई नाका ना हो। सो पुलिस वाले भैया निकाल रहे हैं ट्रैफिक, बट बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। तो हमें गली वाला रास्ता मिल जाए तो बहुत ठीक था, हम निकल जाते उस रास्ते से। कोशिश करते हैं निकलने की। ओ चाचा मिरर अंदर फोल्ड कर लेते हैं, इसको भी अंदर कर लेते हैं फोल्ड, फिर कोशिश करेंगे निकलने की। ट्रैफिक में बंद करते हैं और यहाँ से हम राइट ले लेंगे, क्योंकि गली से रास्ता साफ होगा तो गली के रास्ते से निकल जाएंगे। अभी बस थोड़ा सा हमें रास्ता मिल जाए, सो चलते हैं आगे, मिलते हैं ये ट्रैफिक क्लियर करके। तो हमें गली वाला रास्ता मिल चुका है और अभी हम गली से निकल सकते हैं क्या? यहाँ पे भी ट्रैफिक लगा हुआ है, चलो ये थोड़ा ही होगा, जाने दे भैया भैया। और गर्मी यार देखो, धूप बिल्कुल भी नहीं है और गर्मी कितनी है, स्वेटिंग इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, हालत ना बुरी हो गई है मेरी। सो निकलो निकलो निकलो, बस क्लियर हो गया ट्रैफिक। और शहजाद भी कॉल कर रहा होगा, वो मेरा वेट कर रहा था। सो मिरर खोल देते हैं पहले, नई V4 आई है उससे उसकी टेस्ट ड्राइव भी लेंगे, लेट्स सी। शहजाद भी आ चुका है, ये रहा शहजाद। और बस अभी यहाँ से निकलते हैं आगे। क्या हाल है, इंडिकेटर आज भी या? ये अभी रहा, ये निकल गया। एल्फी लगाना इसको। शहजाद के साथ उसका कज़न है तो वो ड्रॉप करने जा रहा है बस स्टैंड और मुझे बोल रहा चल तू भी साथ चल, तो चलते हैं साथ में ही। अभी निकल चुके हैं सिटी से वापस और शहजाद देखो सिटी से कैसे जा रहा है। ओ ये इसको भी जल्दी है भाई,
क्लोज कॉल। ओ शिट, मौका था नहीं निकल पाया। ओ चाचा सारा मूड खराब कर दिया। यह है अपनी सिटी छोटी सी, और यहाँ पे क्या बंदा हाइपर राइड करे या कोई अग्रेसिव राइड करे। सो लोग देख सकते हो आप कितने लोग थे, मतलब गाड़ियों से ज़्यादा ना पब्लिक होती है यहाँ पे। और राइट गाइस, सो फाइनली हाईवे पे पहुँच चुके हैं हम, और सीधा चलते हैं पहले साकिब शाह की शॉप पे। वाओ वाओ, रेड रेड। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या हाल है। सो ये रही लाल परी साकिब शाह की। वाओ नजर ना लगे यार, रेड रेड कॉम्बिनेशन देख, कल चप्पल भी रेड थी पता तुझे। आ चुका हूँ मैं साकिब शाह की V4 पे। सो अब इसकी पावर पहले चेक करते हैं फिर बात करते हैं। सो गाइस, इसमें पावर अच्छी है, सिर्फ एयर प्रेशर मुझे लगता है अब बराबर नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ी बाइक हल्की सी हो रही है और बाहर जा रही है। सो मैं ज़्यादा बड़ा इसका राउंड नहीं लूँगा, यहाँ से ही वापस लूँगा। सो बाइक बाकी लुक वाइज बहुत तगड़ी है, इतनी लुक मतलब मस्त लुक है। जब से मैंने शहजाद की बाइक चलाई और देखी है, तब से मेरा मन कर रहा मैं भी V3 सेल करके और V4 ले लूँ, बट V4 नहीं ले सकता मैं अभी। अब मैंने V3 से ही व्लॉगिंग करनी है, और इंशाल्लाह एक दिन जल्दी ही अपने पास थोड़ी बड़ी बाइक आएगी लाइक 390 तक। सो तब तक V3 से ही गुजारा करेंगे हम। तो बाकी इसकी लुक वाइज ये बहुत तगड़ी है, और पावर इसमें ना थोड़ी सी कम की हुई है एज़ कम्पेयर टू V3, पावर इसमें कम है, चलाने में भी पता चल गया ये पावर इसकी। अभी निकल चुके हैं फिर से हम एक छोटी सी राइड करने के लिए। सो काफ़ी टाइम साकिब शाह के पास बैठे थे, सो आज यहाँ से एक्सीडेंट हो गया था। सो साकिब शाह की शॉप पे काफ़ी टाइम बैठे हुए थे, सो बैठने के बाद अभी शहजाद ने बोला चल एक छोटी सी राइड करते हैं, तो चलते हैं राइड पर, देखते हैं कैसा रहता है। आराम से यार, आराम से क्या कर रहे हैं। ये देखना छोटे की तरफ, ये देखो गाइस। फुल पावर एस लग गई। तो आज हाईवे भी बिजी है, सो मैं सोच रहा हूँ वापस टर्न लिया जाए। गाड़ियाँ जना वाली गली पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अब लेंगे हम यू टर्न। गाड़ी को क्या हो गया यार, गर्मी बड़ी है, बादल है लेकिन गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है ना। ये देख ना, धूप बिल्कुल भी नहीं है, क्लोटी मौसम है, और पसीना देख। ये ना जून जुलाई चिपचिपा मौसम होता है यार, इसमें बहुत गंदा है यार कसम से। चले आप वापिस। वाह गाड़ी फंस गई बीच में,
तो वीडियो को करेंगे हम यहाँ पे ही एंड। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।